बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक रफूर। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है पाइनएप्पल जूस की रेसिपी। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा जूस कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। इसके लिए हमने पाइनएप्पल लिया है, इसको पहले इस तरह से ये आगे से काट लेंगे। अब इसको बैक से काट लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से सीधा रख के इसको दरमियान से काट लेंगे। हम इसे इस तरह से दो पीसेस में डिवाइड कर लेंगे व्यूअर्स। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा और जूसी सा पाइनएप्पल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दरमियान वाली चीज़ इस तरह से हम ये निकाल देंगे। अब इस तरह से कट लगा के हम इसको इस तरह से हम इसके क्यूब्स काट लेंगे। इसके लिए हमें तकरीबन 1 इंच के बराबर अदरक चाहिए। पांच से छह हमें पुदीने के पत्ते चाहिए। छह से सात स्लाइसेस इसके लिए हमें पाइनएप्पल के चाहिए। 1 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए। 1 ग्लास इसके लिए मैंने ठंडा पानी लिया है। और व्यूअर्स, आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो आप चाहें तो इसमें आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कितना मज़ेदार हमारा पाइनएप्पल जूस तैयार हो गया व्यूअर्स। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे और बहुत मज़े के खाने बना के अपने घर वालों को भी खिलाएं। माशाल्लाह व्यूअर्स, कितना मज़े का हमारा पाइनएप्पल जूस तैयार हुआ है। आप भी हमारी रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए हमारी रेसिपीज़ को। अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।